गुड मॉर्निंग। तो आज है सैटरडे एंड आज आप लोगों के साथ हम शेयर कर रहे हैं मेरी सुबह की रूटीन। तो चाय हम ग्रीन टी पीते हैं एंड प्रेशर कुकर में आलू चढ़ा है, तो एक सीटी ऑन हाई फ्लेम 5 मिनट सिम कर दिए। और यहाँ पे देखिए सहजन को हम काट के रखे, सहजन या सुट्टी, हम लोग झारखंड में सुट्टी कहते हैं, तो वह कट के लिए एंड उसके बाद आलू मेरी हो गई, उसे निकाल दिए एंड नाउ दाल चढ़ा रहे हैं। तो मिक्स दाल है, अरहर और एक मिक्स्ड दाल है या तो उसे पानी से धो करके हल्दी नमक डाल करके एक सीटी आने तक ऑन हाई फ्लेम करते हैं और 5 मिनट के लिए सिम कर देते हैं। तो ये दाल हो जाती है, तो गैस पर चढ़ा रहे हैं एंड नाउ ये दाल हो गई है। तो छौंकते तो सिंपल घी, घर की निकाली हुई घी है, उसमें जीरा डाल करके छौंक देंगे। तो थोड़ी सी फास्ट फॉरवर्ड करके भी दिखा रहे हैं एंड एग्जॉस्ट ऑन किए हैं बिकॉज अब छौंकेंगे ना तो बहुत धुआं निकलता है। या एंड नाउ दिस इज़ डन। और आलू अब तक ठंडी हो गई है, स्किन हटा करके अब स्टफिंग की प्रिपरेशन रेडी कर लेते हैं। एंड यहाँ पे सहजन की सब्ज़ी, सुट्टी की सब्ज़ी जो है ना वो बनाए, पता नहीं मैं रिकॉर्ड ही नहीं कर पाए। आई थॉट कि हम रिकॉर्ड कर रहे हैं लेकिन नहीं रिकॉर्ड कर पाए, अभी हम एडिट कर रहे हैं ना, तो दिस वाट आई एम सेइंग कि वो क्लिप है ही नहीं। तो नाउ आलू को स्मैश कर दिए एंड ये प्याज में नमक डाल करके रख दिए थे एंड उससे क्या होता है ना, ये पानी निकल जाता है तो उसको सॉर्ट करके पानी निकाल दिए, तो उससे क्या होता है स्टफिंग ना गीला नहीं होता है। एंड टमाटर सरसों तेल एंड नमक डाल करके ऐसे इस तरह से बॉल बना दिए। नाउ इसमें अब हम थोड़ी सी रोटी बनाए हैं। तो ये या देखिए कैसरोल में अगर आप टिश्यू पेपर नहीं डालते हैं ना, तो इस तरह से छोटा प्लेट इन्वर्ट करके डाल दीजिए, तो ये वही काम करता है जो टिश्यू पेपर करता है, आपकी रोटी बिल्कुल गीला नहीं होगा। और पता नहीं ये कैसे होता है, आई डोंट नो बट या इट हैपन्स। एंड नाउ हम रोटी बना रहे, थोड़ी सी कुछ रोटी भी बनाएंगे, आलू पराठे भी बनाएंगे। तो पहले हम रोटी बना रहे हैं, आलू पराठा बनाएंगे आफ्टर आई टेक शावर एंड ऑल दैट बिकॉज जस्ट वॉन्ट टू हैव हॉट आलू पराठा, वो अच्छा लगता है। ये रोटी बना रहे हैं एंड नाउ रोटी को कैसरोल में रखेंगे एंड देखिएगा बिल्कुल रोटी गीला नहीं होता, तो ये एक अच्छा हैक है। एंड नाउ दूसरी रोटी चढ़ा दी है एंड इधर घी लगा रहे हैं, तो वन बाय वन एक रोटी बनाए घी लगाए, फिर रोटी बनाए घी लगाए, नाउ दैट इज़ व्हाट आई एम डूइंग। उसके बाद नाउ टाइम फॉर माई सन टू गो स्कूल, उसके लिए कुछ सैंडविच बना रहे हैं, तो सैंडविच नहीं आज बोला टोस्ट एंड सिंपल एग स्क्रैम्बल बनाएगा नहीं। एंड नाउ सहजन की सब्ज़ी रेडी है, डेफिनेटली आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कभी, ये बहुत सिंपल है। एंड अंडा में जस्ट नमक डाल करके कर रहे हैं एंड ब्रेड में बटर लगा दिए, बटर एंड चीज़ हम पहले ही निकाल लेते हैं अर्ली मॉर्निंग, लेकिन आज उसे चीज़ नहीं खाना था, जैसे प्लेन टोस्ट एंड ऑमलेट एंड सीरियल बोलेगा तो ऐसे ओके फाइन। तो ब्राउन ब्रेड जनरली आई प्रेफर बिकॉज दिस इज़ गुड फॉर हेल्थ एंड उसे टोस्ट कर रहे हैं। नाउ ये ब्रेड हो गई है, टाइम के स्क्रैम्बल बना रहे हैं, तो बस घी डाल करके अंडा जो फेट के रखे थे ना उसे बस डायरेक्ट डाल रहे हैं, अनियंस वगैरह कुछ भी नहीं है, ऐसे कि ग्रीन चिली अनियंस कुछ भी डाल देते हैं, नहीं सर यू नो एकदम ही वॉन्ट्स प्लेन, तो ऐसे ओके फाइन। तो बस इस तरह से डाल करके इस नॉन स्टिक तवा में ऐसे ऐसे ब्रेक कर दीजिए तो स्क्रैम्बल हो जाता है, या तो इस तरह से झटपट बन जाता है, बटर पहले निकाल देने से ना स्प्रेड होता है। तो दिस इज़ डन। नॉर्म मिल्क ले लिए एंड उसे प्लेट में रखे कवर करके नाउ आई एम गोइंग टू सर्व हिम ऑन टेबल। तो या दिस इज़ रेडी। उसके बाद हम चले गए नहाने के लिए और घर की सारी काम वगैरह थी वो सब करने के बाद आई थॉट कि चलो लास्ट में एक आलू पराठा अब बना लेते हैं। तो या सारे आलू पराठा बना लिए हैं एंड लास्ट वाली जो आलू पराठा ना दैट आई टुक, या तो नॉर्मल आलू पराठा जैसे घी वगैरह डाल के लोट पलट के बनाते थे हवा में की, एंड सारे आलू पराठा बना लिए एंड नाउ लास्ट आलू पराठा दिस वन आई एम गोइंग टू हैव बिकॉज हम नहाना वहाना सब हो चुका था, पूछा नो देन आई हैव टू गो मार्केट आज सैटरडे है, तो कुछ ग्रॉसरीज वगैरह है, आई एम स्टिल कन्फ्यूज जाए या नहीं जाए बिकॉज जनरली सैटरडेज आर वेरी क्राउडी एंड गर्म आलू पराठा विथ चिल्ड कर्ड लवली। Hey my beautiful friends, are we shining light? मैं आप लोगों का स्वागत है एंड टाइम देखे 11:30 एंड नाउ दिस इज माय बैग एंड आज मुझे जाना है बहुत ग्रोसरीज के लिए, आजकल करते करते नॉट हैज बीन लॉन्ग, तो
जाना है प्रोसेस के लिए। मैं हाउस हेल्प स्टिल वर्किंग, आप लोगों को बैकअप में आवाज आ रही होगी, आई जस्ट कॉल देम ऑलरेडी क्या जल्दी आ जाना। लेकिन बाद में सब करते करते लेट हो गया, लेट मी क्लोज द डोर। तो चलिए ज्यादा नहीं बोलेंगे, लेट्स गो, लेट्स होप की क्राउड नहीं हो। ए चलो, आर यू डन, लेट्स गो। एंड नाउ कमिंग आउट एंड आप लोगों को दिखाते हैं कि व्हाट आई एम वेयरिंग। या डेफिनेटली आगे इज बेटर लाइट, वहां दिखाते हैं। एंड या लेट्स होप कि यू होप। आई एम सो कंफ्यूज्ड, मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि एलिवेटर हाउस हेल्प गो 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 लिफ्ट है या लिफ्ट कम्स यू नो टच द ग्रीन ग्रीन ग्रास होम। एंड देन एक फॉर्मेलिटी दिखा दे, व्हाट आई एम वेयरिंग प्लेन कुर्ता विथ केपरी। एंड देयर कम्स माय एलिवेटर, माय बिग बैग, ओ इट्स गोइंग अप। Very crowded, therefore you know I've just fixed my camera here. I'm very crowded. I'm so happy for this, it's an honor. So many people not feeling comfortable to lift it up like this. And uh, chaliye, yeah, this one I'm so happy I got this one going counter for payment. And now we made it stuck there. But very happy for this, you know, I got this statue. Thank you. I cannot take more than this. Back home from there and look at the time. This is what's the time? Yeah, this is 2. और सारे सामान रख दिए हैं। ओ माई गॉड, बिकेम वेरी हैवी। नाउ गोना गॉबल माय लंच। एंड नाउ दिस इज ब्यूटीफुल मेहंदी, ब्यूटीफुल डिजाइन। एंड आई टर्न बैक, सो नाइस। या नेल्स एम्प्टी है तो नेल्स में कलर फिल करेंगे। एंड दिस इज सो ब्यूटीफुल, इतनी बारीक से काम किया हुआ। ओ गॉड, आई जस्ट लव इट। एंड नाउ आप लोगों को टाइम दिखाते हैं। दिस इज 6:30 एंड दिस इज चाय 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 टाइम। चलिए बाहर चलते हैं और ये वीडियो नेक्स्ट डे की है। दिस इज चाय इन माई ब्यूटिफुल कप, बहुत बार आप लोगों को दिखाए हैं। अच्छा लगता है शेयर करना एंड ऑल दैट। तो जो भी अभी तक आपने वीडियो देखी ना, वो कल की थी और आज टुडे इज संडे, तो आज हम कुछ कर नहीं पाए। माय कप, या इट शुड कवर स्क्रीन, दिखना चाहिए। दिस इज इट, ब्यूटीफुल पीकॉक है एंड ऑल दैट। तो एक दो वीडियो में तो आप लोगों के साथ हम शेयर किए ही हैं। तो यू नो व्हाट, यहाँ से लाइट आ रही है, यू नो ऐसे इधर डार्क हो जा रहा है एंड यहाँ से लाइट आ रही है, तो पिक्चर इज क्लियर। या देन व्हाट हैपेंड कि फिर आज हम कुछ भी नहीं शूट कर पाए, बिकॉज तो संडे है, थोड़ी सी लेजी डे, थोड़ी सी फन डे, संडे फन डे लेजी डे हो जाता है। तो आई वाज प्लानिंग कि कुछ कुछ शूट करेंगे लेकिन नहीं किए। तो आई थॉट कि नहीं, एटलीस्ट टी टाइम तो हमें शेयर कर ही ले। और आज हम अपने हाथों में लगाए हैं मेहंदी, दैट आई एम गोइंग टू शो यू। कप यहाँ रख दें, ये देखिए, दिस इज मेहंदी। माय फ्रेंड केम एंड वो लगा दी एंड इस हाथ में भी दिखा रहे हैं। दिस इज इट, बस शी केम एंड यस्टरडे शी केम एंड शी सेड कि नई मेहंदी लगा देते हैं। तो आई सेड या ओके फाइन। एंड देखिए कलर कितनी अच्छी आई है। आई वाज थिंकिंग कि आज ही लगाएंगे लेकिन फिर लगा कि नहीं, घर में तो आज सबको ही होंगे। तो दिस इज इट, इतनी खूबसूरत मेहंदी लगाई है। एंड उसने कोई भी ट्रेनिंग नहीं लिया है, तो मेहंदी लगाना अच्छा लगता है, इतनी बारीक काम है। देखिए इतनी नाइसली है। एंड ये वाली चीज जो है ना, आई जस्ट लाइक इट सो मच। एक्सक्यूज मी, नाइस।
तो आई थिंक आप लोग आज की व्लॉग 2 दिन की हो गई, कल मेरी मॉर्निंग एक्टिविटीज आप लोग के साथ शेयर की। तो दिस वॉज इट इज थोड़ी सी कैमरा ऐसे पकड़ लेते हैं। सो या सो ब्यूटीफुल या तो चलिए व्लॉग बहुत लंबा नहीं करेंगे एंड आई होप आप लोगों को आज की मेरी वीडियो पसंद आई। और हाँ, जब वो मेहंदी लगा रही थी ना तो शिकेम सडनली एकदम हम भूल गए कि मुझे रिकॉर्ड करना है। बस वो आई एंड हम लोग थोड़ी सी डिस्कस किए एंड वी जस्ट मेहंदी लगा ली और बिल्कुल मेरे ध्यान से ही निकल गया कि वाइल वो जब लगा रही थी ना तो हम रिकॉर्ड कर लेते। लेकिन हाँ, उससे वो तो हम आप लोगों को दिखाई है जब लगाए थे, तो ऐसा कि थोड़ी सी रिकॉर्ड कर लो बिकॉज माई बोथ हैंड्स वेर मेहंदी लगे हुए थे, ये हाथ और ये हाथ बोथ हैंड्स में मेहंदी लगे थे एंड ये आई लाइक सो मच। तो चलिए बस व्लॉग एंड करते हैं। और हाँ, कल बहुत स्पेशल ओकेजन है, कोई खास ओकेजन है, उसकी ही तैयारी हो रही है ये सारी चीज़ें। तो या कल की व्लॉग ज़रूर देखिएगा एंड आई होप कि जो भी होगा हम शेयर करेंगे आप लोगों के साथ। लेकिन कुछ तो सेलिब्रेशन है, क्या सेलिब्रेशन है दैट यू आर गोइंग टू नो टुमारो। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड एंड अंटिल देन बाय बाय, लव यू, टेक केयर एंड या प्लीज डू सब्सक्राइब।